अच्छा पढ़ाते हैं आप। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू शुरू हो चुकी है और आज हमारा जो मेन बहुत टॉपिक शुक्रिया। है, ठीक है, वो है सेल। हम आज सेल पढ़ेंगे, लेकिन वैसे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जैसे स्कूल में पढ़ाया गया है। ठीक है, हम थोड़े से डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सामने ओके सर, सामने एक सेल नजर आ रहा है और उसके पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, सारे लेबल डायग्राम है। ठीक है, ओके। जी तो आप लोगों को पता होगा सिल सिल का कि सिल क्या काम करता जी, है। तकरीबन बेसिक चीजें सब पता है इन चीजों, ये सारे पार्ट्स की ऑर्गेनाइज सबसे पहले ये बता दे कि व्हाट इज सिल। की। सर, सेल इज दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ये तो 9-10 का डिफिनेशन हो गया ना, मेडिकल डिफिनेशन का है। सर, मेडिकल से मुराद क्या, किस टाइप, मतलब वो डिफिनेशन कराए, ठीक है, जो कि आपके लेवल के मुताबिक है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, ये सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये 9-10 में पढ़ाया जाता है। चलो मैं आपको डिफिनेशन पढ़ाता हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो लिख ले। ठीक जी समझ लेता हूँ काइंडली। है, सेल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच विच कंबाइंस टू मेक अ टिश्यू, ओके, एंड दैट टिश्यू परफॉर्म्स ऑर्गन। द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मींस एनी लिविंग बॉडी। दोबारा बोलो। सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन कंबाइन विच कंबाइन टू कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू टू फॉर्म अ टिश्यू एंड डू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ टिश्यू एंड डू कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ टिश्यू एंड डू द कॉम्प्लेक्स एंड डू द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ बॉडी। फंक्शन आपको अभी पता होगा कि सेल किस को टाइम होगी क्लास, क्या टाइमिंग क्या होगी क्लास क्लास की रोज की, ताकि क्लास की आ, आ, बंदा उस टाइम आज रेडी क्लास रहे। थोड़ा आज क्लास थोड़ा जल्दी हमने ले ले लिया क्योंकि मुझे कहीं जाना है, लेकिन कल कल से हमारी क्लास 8 बजे होगी, ओके बिश्की के 8 बजे, ठीक है, कर्गिस्तान के 8 बजे, पाकिस्तान के 7 बजे। अगर किसी को कोई ओके मसला सर, अगर किसी को ओके कोई सर, मसला बस हुआ हो रहा है तो फिर हम क्लास 10 बजे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 9 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है, वो ओके सर, इंशाल्लाह। यू सिमिली के लिए कुछ स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको यू सिमिली के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सर ये तो बेसिक साथ बता रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर के बारे में ही सारा इसमें, हाँ, ये क्लास जो ले रहे हैं मैं अभी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पूरा कोर्स जो है वो कवर करूंगा, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का कोर्स सर हम कितने दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह? फर्स्ट ईयर का कोर्स हम 2 महीने में कवर करेंगे, पूरा कोर्स, ओके सर, हिस्टोलॉजी बहुत शुक्रिया। हिस्टोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, और सेकंड ईयर में फिर हम सर आप पैथोलॉजी। किस यूनिट से हैं, क्या किस यूनिट के स्टूडेंट हैं आप, मैं आयु क्या का, ये कौन सा सेम है सर आपका? मेरा 5th सेम है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैं सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 2 हिस्सों में। एक दो सेल में सर आता है न्यूक्लियस, ठीक है, जी और सर दूसरा आता जी है सर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब मैं साइटोप्लाज्म को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहा हूं, कौन कौन से 2 हिस्सों होंगे जी किसी को पता है? पहला बता दें तो। ठीक है, 2 हिस्से, एक साइटोसोल एक और एक साइटोजेल। जी सर, साइटोसोल, साइटोजेल। एक साइटोसिल और एक साइटोजेल। अब देखिए साइटोजेल कहां पे होता है, ये जो मैंने मार्क लगाया ये दूसरा वाला, एक मिनट मैं एक कलर चेंज कर लूं मार्क का, तो ताकि सही से नजर आए। ये जो है ये एरिया ये है साइटोजेल, और बाकी जो है वो साइटोसेल है, ठीक है। मतलब के न्यूक्लियस सर, उसका थोड़ा सा जो एरिया सराउंडिंग, वो साइटो जेल है, सेल जेल है, वो जेल है, बाकी सेल है। बाकी साइटोसेल है, ठीक है, ये बाकी साइटो
सेल है। अब ये बताना है मैंने आपको कि साइटोसेल और साइटोजेल में क्या फर्क होता है। साइटोजेल जो है वो जेली लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो बहुत वहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस होते हैं, इस वजह से वो जेल की तरह शेप इख्तियार कर लेता है। जबकि साइटोसेल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं होते, इस वजह से वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, वो जेल जेल के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ओके ओके, मतलब कि जो साइटो जेल है वो मतलब डेंस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। और दूसरा लिक्विड टाइप होता है पानी की तरह। हाँ, दूसरा लिक्विड टाइप होता है। ओके हाँ, अब ये है कि सेल के कौन से अल्गनेली साइटोसेल में आते हैं और कौन से साइटोजेल में आते हैं। अल्गनेली आप सबको पता है कि अल्गनेली क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और सामने लिख के भी हुए है। साइटोजेल में आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है वो साइटोसेल में होता है। ओके ठीक है, और साइटोजेल में कोई भी माइटोकांड्रिया नहीं होती है। अच्छा, जेल में कोई माइटोकांड्रिया नहीं, सेल में वहां कोई माइटोकांड्रिया नहीं होती, लेकिन वहां गल्जी बॉडीज होते हैं। वहां गल्जी बॉडी होते हैं। अच्छा, गल्जी बॉडीज होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने उठाया ये वाला सेल, ये असल में प्लांट सेल है, ठीक है, लेकिन ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वाला उठाया है, ठीक है। ये लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर जो है इसका वो ह्यूमन सेल की तरह है, तो इसलिए मैंने उठाया है। वरना मेरे पास यहाँ पे दूसरा सेल है, वो ह्यूमन सेल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ओके सर, ये है ह्यूमन सेल, लेकिन यहाँ पे फिर समझ नहीं आएगा आपको सही से, इसलिए मैंने वो दूसरा ये वाला उठाया है, ठीक है, ताकि समझ साइटोसेल और साइटोजेल आसानी से समझ में आ जाए। अब आपको पता है माइटोकांड्रिया क्या होता है, गल्जी बॉडीज क्या होता है, ये सब पता है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गल्जी बॉडी, कौन बताएगा मुझे? जी जी, बेसिक पता है। क्या बेसिक ही बता दे। सर वो क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या नाम है, प्रोटीन्स को बनाता है, जिससे हम बाद में लाइसोसोम्स कहते हैं। देखो, गल्जी बॉडी जो है वो सेल का स्टोर रूम है। क्या है? स्टोर रूम होता है, वहां पे हर चीज पैक होती है और स्टोर होती है, ठीक है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रोटीन बनाता है तो वो पैकिंग के लिए गल्जी बॉडी में जाता है, ठीक है, और गल्जी बॉडी उसको पैक करता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल बनता है सेल में वो भी गल्जी बॉडी में जाता है और पैक करता है, और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के जरिए सेल से बाहर निकलता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज द पाथवे बिटवीन सेल न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके सर, ठीक होगा, सिल समझ आया? जी सर, समझ आया तुम लोगों? सर और कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन आपने देनी हो ताकि हमसे मिस ना हो जाए? ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि सिल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, कौन बताएगा तुम तीनों में? न्यूक्लियस की जो अंदर है, न्यूक्लियोलस। जी भाई जान, आप बताए। राइबोसोम्स, ठीक है। सिल के सबसे छोटे अल्गनेली राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स एनिमल या ह्यूमन सिल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सर क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोसेल में होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म को मैंने डिवाइड किया हुआ है ना, आप डिवीजन याद रखें। साइटोसेल में, ओके ओके सर, आप डिवीजन याद रखें ताकि
क्योंकि हम बे वो पुराने बेसिक साइटोप्लाज्म वो नहीं पढ़ रहे, हम आगे पढ़ रहे हैं, हम जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें साइटोजेल और साइटोसेल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लगती है वहां पे, ठीक है जी सर। जी सर इधर तक सारी समझ लग गई है जी, गुड। हाँ साइटोसिल के बस साइटोसिल के माइटोकांड्रिया दावी लाइबोसोम्स भाई गलजी बॉडी सपाट भाई सही हो, और सर बस यही ऑर्गेनल है, इसके अलावा भी कोई ऑर्गेनल है जो इसमें नहीं मेंशन हुआ और जरूरी है हमारे लिए? यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल मेंशन नहीं हुए है, मैं दूसरा डायग्राम लाऊं खोल रहा हूँ आपको शो कर रहा हूँ दूसरा डायग्राम। ओके उसमें उसमें ये डिटेल से होंगे, ठीक है ओके सर ओके। उसमें सारे ऑर्गेनेल्स मेंशन है, वो ये वाला है, ये ह्यूमन सेल है, ठीक है सर ठीक है। इसमें मेंशन है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेशन करता है, ठीक है, वो सेल का स्टमक है, लेकिन इसका एक और फंक्शन भी है, लाइसोसोम का थोड़ा सा पता है, लाइसोसोम का एक और फंक्शन भी है, वो क्या है कौन बताए? जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं ना तो उन्हें क्या नाम एनगल्फ करके ये नहीं क्या नाम है डाइजेस्ट कर देता है ताकि नुकसान ना हो, डाइजेस्ट कर लेता है, इससे बहुत इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, जो पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं उन्हें भी ये करता है। हाँ सेल्फ सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ईटिंग यस सर, ऑटो पता नहीं क्या, हाँ सेल्फ ईटिंग करता है। और लाइसोसोम का मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा फायदा क्या है पता है? कैंसर, हम सब को कैंसर, कैंसर से प्रिवेंट कौन करता है? हम सबको कैंसर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लाइसोसोम हमें बचा रहा है, जिनका लाइसोसोम अच्छा अच्छे काम नहीं करता है, ठीक है, जिनका लाइसोसोम सेल्फ डाइजेशन नहीं करता है और उस जगह पे सेल्स में कोई मसला आ जाता है किसी जगह पे, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे एक नोड बनता है और वो नोड क्या होता है? कैंसर नोड होता है, ट्यूमर होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का नोड और ट्यूमर एक ही चीज है? नोड और ट्यूमर एक ही चीज है? नोड और ट्यूमर, नोड और ट्यूमर एक चीज नहीं है। अच्छा क्या फर्क है सर? नोड ऐसे होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। ओके सर ओके सर ओके। ये एक अर्गन है, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स ये होते हैं कि इसके रूट्स बन जाते हैं ऐसे। अच्छा सर ओके ओके। ये रूट्स बन जाते नोड्स हैं, रूट्स को इन रूट्स को नोड्स कहते हैं। ये रूट्स नोड्स बहुत आगे चले आगे जाते हैं, ठीक है, कुछ छोटे होते हैं। ये तो सिलिया नहीं हुआ? नहीं ये सिलिया नहीं हुआ ना, ये सिलिया नहीं हुआ। सिलिया जो है, सिलिया वो सिलिया जो है वो सेल्स को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैपिलरी से न्यूट्रिएंट्स और ब्लड लेता है, ठीक है, और सिलिया क्या करता है? डिफेंस करता है बस है। लेकिन नोड्स जो है, नोड्स नोड्स ये अगर एक सिलिया खराब हो गया, ठीक है, एक सिलिया में मसला गया और वहां पे लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, उस टिश्यू में लाइसोसोम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे सिलिया भी नोड्स बन जाती है, रूट्स, रूट्स टाइप बन जाती है। और रूट्स क्या होती है? ऐसे मतलब जो वो डीप चली जाती है वो होते हैं नोड्स। सिलियन नोड्स बन जाते हैं, सिलियन नोड्स बन जाती है बाद में, सिलिया भी नोड्स बन जाता है, दूसरे अग्नेली से भी नोड्स बनते हैं। ओके ओके सर। इस नोड्स का स्पेलिंग ये है, ठीक है, दूसरा वाला नोड जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं ये वो नोड नहीं है। और ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होता है एक मास, एक्स्ट्रा मास, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे एक ट्यूमर बन गया, एक
एक गलत चीज बन गई, एक नोट बन गया, एक ट्यूमर बन गया है, ठीक है, जो कि क्या कहता है, जिसके अंदर सब कुछ जो जो चीजें है, ठीक है, वो चीजें डेड हो चुकी है, और वो बैक्टीरियम्स और माइक्रोब्स के लिए एक सुटेबल प्लेस प्रोवाइड करती है, जहां से बॉडी को सारे डिजीजेस होते हैं, दैट इज ट्यूमर एंड कैंसर होता है। थैंक यू सर, समझ लग गई। अच्छा, अब न्यूक्लियोलस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये हम न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है जी सर। और क्लोरोमेट भी हम न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। गल्जी अपरेटस का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, और गल्जी अपरेटस का शेप कैसा है? जैसे अगर हम आटे के पांच छह बोरिया लाए और एक दूसरे के ऊपर रख दें, वो गल्जी बाड़ी का शेप बनाइए। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स में मेंशन है, व्हाट इज सेंट्रियोल, कौन बनाया? सर इनको लेदर लेदर भी पढ़ेंगे हम, हम इनको जैसे ये नहीं हम पढ़ेंगे जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने छोड़ी है। मैंने आपको माइटोकांड्रिया नहीं पढ़ाया अभी, मैंने आपको न्यूक्लियस नहीं पढ़ाया अभी, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ाया अभी तक। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि वो अलग आप पढ़ाने वाला, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गोल्जी, गोल्जी को भी दोबारा पढ़ेंगे? नहीं, गोल्जी को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो सर इसका ये सिस्टर्नी ट्रांसफेस सिस्फेस सबका बता दें जरा। वो आपको पता है ना, आपको नहीं पता, वो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा। अगर आप अच्छा अच्छा ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं वो पढ़ा दूंगा, वो मसला नहीं है मेरे लिए बड़ा। ओके सर, ओके। ये सिल बायोलॉजी, ठीक है, ये मैंने यहाँ से खोला हुआ है विकिपीडिया से, यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं। ओके, ये इसलिए खोला हुआ है कि आप लोग अगर बाद में स्टडी भी करना चाहता है कोई, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। ओके, ये सिल की हिस्ट्री है, सिल कैसे, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, सिल के अर्गनेली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम सेंट्रियोल्स, व्हाट इज सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स क्या करता है, फंक्शन क्या है सेंट्रियोल्स का? स्पिंडल फाइबर, सामने लिखा हुआ है, बता दे सर। स्पिंडल फाइबर बनाता है जो सेल डिवीजन में, स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है जी सर। और क्रोमेटिन, व्हाट इज क्रोमेटिन, ये हम न्यूक्लियस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिलिया यहाँ पे पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है। सिलिया का क्या कहता है, हेल्प टू प्रोपेल सब्सटेंस, सब्सटेंस को अंदर लेके आता है, एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेंसरी पर्पस। सर मतलब इसमें नर्व न्यूरॉन्स भी होते हैं सिलिया में? नहीं, नर्व न्यूरॉन नहीं होते, नर्व तो एक अलग सेल है, एक सेल के अंदर दूसरा सेल कैसे हो सकता है, ये बात देखता है। तो सर ये सेंस कैसे करता है? ये सेंस ऐसे करता है, कोई फॉरेन बॉडी बाहर आए, ठीक है, तो ये तो ये उसको फील करता है, ठीक है, और उस फीलिंग की वजह से ये सेल न्यूक्लियस को सेंड मैसेज सेंड करता है, और फिर सेल अपनी आर्मी मींस लाइसोसोम्स को एक्टिव करता है। जैसे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स है, और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल और क्या नाम है उसका दूसरा जो डिफेंस, प्लेटलेट्स, थैंक यू, और प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो बॉडी की आर्मी है, ऐसी लाइसोसोम और सिलिया बॉडी की आर्मी है, ठीक है। ओके ओके, समझ लग गया। ये मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर के रखा हुआ है, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग कहा था, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोगों के लिए ये पढ़ना इजी हो जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, सब कुछ जो मैंने पढ़ाया हुआ है। और साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो है वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सेल के अंदर क्या क्या करता है, ये
इसका फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का? सेल को सपोर्ट करता है, सेल को सपोर्ट करता है और स्टेबलाइज करता है। और ये किस स्टेबल बनाते हैं, और ये किस चीज से बना हुआ है साइटोस्केलेटन? प्रोटीन्स, फाइबर्स, फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर्स होता है द प्रोटीन चेन इज कॉल्ड फाइबर्स, एनी चेन, एनी लॉन्ग चेन इज कॉल्ड फाइबर्स। देखो बहुत डिफरेंट किस्म के, ये एक किस्म के प्रोटीन नहीं होते, ठीक है? इसलिए ये एक प्रोटीन है, ठीक है? इसके साथ एक प्रोटीन ऐसा लगा होगा, एक ऐसा लगा होगा, एक ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है? एक ऐसे लगा हुआ होगा, ये एक चेन बनाता है, ठीक है? ये फाइबर है, ठीक है? अब तुम जो बोल रहे हो वो अगर प्रोटीन इस तरह से है, मतलब दो प्रोटीन, ये फाइबर नहीं है, या ऐसे है, ठीक है? ये भी फाइबर नहीं है। अच्छा अच्छा, सिंगल चेन हो तो फिर वो फाइबर है, अगर सिंगल ना हो तो है, ठीक है? और अगर सिंगल चेन ना हो तो क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। अब जी सर, जो ये पॉलीपेप्टाइड है ऊपर जो बनाया हुआ है, नीचे जो बनाया हुआ है वो चेन है, ठीक है? चेन है, यस सर। अब हम वापस अपने डायग्राम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे ओके। अब अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर कोई कुछ चीज समझ ना आई तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर, तकरीबन मैं साथ साथ ही पूछता रहता हूँ इसीलिए, ताकि कोई बोल ना जाओ। अभी ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, जो चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है? उसमें राइबोसोम रहता है, राइबोसोम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, राइबोसोम अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? राइबोसोम क्या है? जी सर, प्रोटीन मशीन है, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है? और ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये टू पार्ट्स से बना हुआ है, टू पार्ट्स है, सब यूनिट्स हैं, जी सर। और उसके बीच में एक आरएनए भी है एक टाइप का, और इसके पास अपना खुद का आरएनए है, ठीक है? जी सर। अब इसके पास खुद का आरएनए क्यों है, ये हम माइटोकांड्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि माइटोकांड्रिया के पास भी अपना खुद का आरएनए है, और इसके पास भी, हम माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे तो ये हम क्लियर करेंगे, ठीक है? और ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है? इसके अंदर ऐसा चेन लगा हुआ होता है, ठीक है? जब मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है, और इसको सब्सटेंस मिलते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, केमिकल्स मिलते हैं, केमिकल्स कहाँ से मिलेंगे इसको? सर अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं सर। अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे, ये यही पूछा हो सर, अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे? राइबोसोम को अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। राइबोसोम को कहाँ से मिलेंगे? प्रोटीन, न्यूक्लियस। राइबोसोम को मिलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस को कहां से मिलेंगे? न्यूक्लियस कहां से आएगा? न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरिए से, बाइल से, बाइल से। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंदर लेके आएंगे, ठीक है? और जब वो अमीनो एसिड्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 20 किस्म के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, ठीक है, समझ लग गई सर, बहुत शुक्रिया। तो वो अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रोटीन बन जाते हैं, और इस तरह से इस फैक्ट्री में आगे जाते हैं, यहाँ पे दूसरा लगता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और इस तरह से बड़ा प्रोटीन बनता है। ये राइबोसोम्स का चेन है, ठीक है? राइबोसोम कहाँ कहाँ पे मौजूद है बताया मैंने आप लोगों को, जी सर बताया है सर। इसके दो हिस्से हैं, वो जरा बता दें, वो जो 70S और 80S को समझ नहीं आती मुझे, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट वाला। हाँ, वो मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गूगल से, तो वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। जी सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया। गलत चीज लगा दी,
ना गलत छू ये राइबोसोम ठीक है। अब आप पूछे कि वो 70S और 20S का क्या मसला है ठीक है, वो मैं आपको ऐसे डायग्राम दिखा हूं। ये देखे ये बहुत सारे ये एक राइबोसोम है, ये जो ऊपर है ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। ओके सर ओके। ये रहा इसके दो यूनिट्स है ठीक है, एक जी सर 60S है और एक 40S है। 60 और 40 प्लस होते हैं तो क्या बनता है 100, यहाँ पे 80 बनता है। वो कैसे ये समझ नहीं आ रही मुझे, यही समझाता हूँ मैं आपको अभी देखो। और सर S से क्या मुराद है, क्या S 40 के बाद जो S आता है वो क्या चीज है सर? S यूनिट है, सब यूनिट S यूनिट पर S यूनिट है साइज का ठीक है। ये सिर्फ राइबोसोम इस यूनिट से मेजर होते हैं और ये सब यूनिट है ठीक है। S जो है एक S जो है वो मतलब एक S जो है वो इक्वल है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड ठीक है। ओके सर कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहा हूं। एक एस इज इक्वल टू 24 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके हाँ तो 60 कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 80 कितने हो गए वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कितना बताया सर, एक एस कितने 24 ठीक है। ये सब यूनिट है प्रोटीन के लिए ठीक है, इससे हम प्रोटीन और आरएनए मेजर करते हैं और ये चीज राइबोसोम जी सर। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि ATS कैसे बनता है ना, देखो इसके राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं है ना, ये तो पता है आपको, ये एक यूनिट है राइबोसोम का ठीक है। ये कितना है, ये है 60S जी जी। अब ये दूसरा है, ये कितना है, ये 40 ये 40S ठीक है। अब देखें, अब आप कहते हैं कि बनना तो 100 चाहिए था ना, लेकिन बनता ही कितना है 80 80S। अब देखें यहां पे, देखें इस जगह यहां पे कुछ हुआ है जी, ये बता दीजिए क्या हुआ है, ये कॉम्बिनेशन दोनों कनेक्ट हुए आपस में। हाँ, जो स्मॉल यूनिट है ठीक है और जो लार्ज यूनिट है वो दोनों एक दूसरे के अंदर चले गए, स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट के अंदर चला गया है ठीक है जी। उसकी वजह से यहाँ पे ये जो जगह है ये वाली ये छोटी यहाँ पे 20S जो है 20S वो यहाँ के अंदर चली गई है ठीक है। ओके 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 ठीक तो ये जो है ये सारी जगह ये तो ये सारी जगह कैलकुलेट होगी ना, हमने तो साइज कैलकुलेट करना है ना, सेपरेट करेंगे तो फिर 100S बनता है, सेपरेट नहीं करते हैं तो 80S बनता है। अगर 100S कब बनता, अगर राइबोसोम एक 60 ऐसा होता और 40S ऐसा होता तो फिर तब 100 बनता ठीक है। अब समझ आ गया जी जी, क्लियर। ओके ओके जी 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 जी। यार ये बता दो इसको जल्दी से क्लियर कैसे करते हैं, ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। हाँ अच्छा मिल गया। अब वो इरेजर से बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी जी जी, अब बहुत ज्यादा लिखा ना मैंने अभी मसला ये है। डबल लैपटॉप में पेन निकल गई। अब हम हुआ हुआ वापस यहाँ पे आते हैं, राइबोसोम समझ आ गया, राइबोसोम हमने अलग पढ़ लिया ठीक है जी सर। अब हम सेल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाएंगे,
ओके वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ओके सेल मेम्ब्रेन क्या है? सर बैरियर है, बॉर्डर कह लें. और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करो, कोई भी डिफाइन करे. सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. हाँ तो बोलो ना क्या है. सर क्या नाम है, लिपिड बायलेयर में क्या नाम है, प्रोटीन एम्बेडेड है, मतलब दो लिपिड के लेयर है उनमें प्रोटीन सी ऑफ लिपिड इन व्हिच प्रोटीन आर फ्लोटेड. यस सर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. क्या सी ऑफ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? यस सर. हाँ हाँ जी सर. विच प्रोटीन आर फ्लोटेड? यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं ना, तो इसलिए अगर आप भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. सर ने मैं लिख नहीं रहा, वैसे मैं नोट कर रहा हूँ. ये तो वो पिक्चर्स मैं आपको सेंड करूंगा, आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या जो डिफिनेशन हमने की वो क्या है. ठीक है, देखे सबसे पहले ये देखो, ये सारे जो नजर आ रहे ये सारे प्रोटीन है. ठीक है, प्रोटीन इस शेप में यहाँ पे लग, ये सारे लिपिड है, सॉरी. ठीक है, इस टाइम में लगे हुए है. और ये क्या लिपिड है? बायलेयर. जी दो लेयर है लिपिड्स की. हां लिपिड बायलेयर है. और ये क्या है? ये प्रोटीन है. हां ये सेल मेम्ब्रेन. ये सब डबल प्रोटीन लेयर है. मेम्ब्रेन. ठीक है, ये बात भी याद रखिए, डबल लेयर मेम्ब्रेन. यस सर. बाय जी जी और ये जो मैंने मार्क लगाए बायलेयर ये प्रोटीन है. ठीक है, अब कुछ प्रोटीन जो है वो क्या है? प्रोटीन के दो टाइप्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. एक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट निकला होता है, और एक जो होता है वो आर पार नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ा सा गया होता है. उसको क्या कहते हैं हम, जो थोड़ा सा गया है, लिखा हुआ है सामने. क्या मतलब सर? जो अच्छा अच्छा जी जी जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के आर पार इंटीग्रल है उसको हम क्या नाम कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन. यहाँ पे एक बंदे ने मुझे बताया है ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, इंटीग्रल. ये इंटीग्रल प्रोटीन नाम ये लिखा, इंटीग्रल प्रोटीन ये है. ठीक है, अब हम जाते हैं आगे. इसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है जो बाइल के साइड पे लगे हुए हैं. ये जी जी कार्बोहाइड्रेट. हाँ, इसको हम क्या नाम बोलते हैं इस चीज को? अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ाया और बहुत बहुत डिटेल से पढ़ाया. आपने पूछा अभी तक, क्वेश्चन भी किया था इसके बारे में. जब मैं आपको कैंसर के बारे में बता रहा था, ट्यूमर के बारे में बता रहा था, तब आपने सिलिया. और जो प्रोटीन सिल के आर पार जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या नाम है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ओके पेरिफेरल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये अब हम जाते हैं ये सिलिया किस चीज से बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से. ठीक है, इसका नीचे पार्ट बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? जब जब ग्लाइकोजन मींस ग्लूकोज टाइप कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जब कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बॉन्ड बनाता है तो हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन फ्रीली भी मौजूद होते हैं और सिलिया स्ट्रक्चर में भी मौजूद होते हैं. अब सिलिया का जो ऊपर वाला चेन जो बना हुआ है वो बना है कार्बोहाइड्रेटेड शुगर चेन. जी क्या? सर बोलो. कार्बोहाइड्रेटेड शुगर चेन. ये नाम आप लोगों ने नहीं बोलनी है. ठीक है, अभी सिलिया मैंने आपको इसका फंक्शन बता दिया है पहले से. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन? सर क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट. हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है. दूसरा प्रोटेक्शन बैरियर. हाँ, प्रोटेक्शन भी करता है. इससे भी एक जरूरी है, सबसे जरूरी
सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. अच्छा जी जी अगर सेल मेम्ब्रेन ना होता, सेल मेम्ब्रेन अगर फट जाए तो सेल के सारा साइटोप्लाज्म बह साइटोसोल्स बह जाएंगे, ठीक है जी जी, और क्या बचेगा अंदर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, खाली सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे घूमता फिरता रहेगा जी सर. अब सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या कैसा करता है? मटेरियल ट्रांसपोर्ट थ्रू पेरिपेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ओके, और पेरिपेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा फंक्शन क्या है? ये रिसेप्टर्स है, ये सिलिया से मैसेज रिसीव करते हैं और न्यूक्लियर और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है जो न्यूक्लियस तक पहुंचाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल का क्या है, ब्रेन है, और वहां से फिर फंक्शन होता है, ठीक है. अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, किसको बताए सर? किसको? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, द प्रोटीन विच इज नॉट गोइंग थ्रू द मेम्ब्रेन. नहीं पता, किसी को बताया आप लोगों में? ठीक है, मैं बताता हूं. इसका फंक्शन है ये भी, इसका फंक्शन है ये सिर्फ रिसेप्टिव प्रोटीन है, ये सिर्फ मैसेज रिसीव करता है, कहां से? न्यूक्लियस से, और वो जो है वो फिर आगे सिलिया तक पहुंचाता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, अब कोलेस्ट्रॉल भी जो है, कोलेस्ट्रॉल वो भी यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है जी सर. कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है जो दो लेयर्स है सेल मेम्ब्रेन के जी सर. सेल मेम्ब्रेन के जो दो लेयर्स है, ठीक है, ये उन दोनों को, वो इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है, कोलेस्ट्रॉल इन दोनों को जोड़े रखता है, ठीक है, समझ आ रही है किसी को? नबी मोहसिन भाईजान, आप बहुत देर से आए हैं सर, वो हमारा मॉड्यूल था. अच्छा अच्छा, मॉड्यूल था, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. मॉड्यूल कैसा गया? अच्छा गया कि नहीं? अच्छा गया सर. हम मॉड्यूल वैसे भी लोग पीडीएफ से करते हैं आजकल, वो कोई मसला नहीं है, आप बस पढ़े कुछ सीखे, मॉड्यूल जो है वो कहीं से भी करे, पीडीएफ से करे, जहां से भी करे, ठीक है. आप कौन से यूनि में है? आईयूके में. आईयूके में, ठीक है, और सेमेस्टर कौन सा है? सेकंड. गुड गुड गुड, अच्छा. मुझको जानते हैं आप लोग? नो सर. ठीक है ठीक है, मैं आईयूके में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, और अभी मैं यूएस में लीकी टीचिंग भी कर रहा हूँ बच्चों को, जो कि सिक्स सेवन सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये क्लासेस भी मैंने शुरू की है, वो क्लास में 9 बजे लेता हूँ, ठीक है, और लेकिन वहां पे आप लोग अभी ना आए, आप लोग अभी यहाँ पे पढ़े, ये वाला पढ़े, ये समझे, तो फिर वहां पे आएंगे, ठीक है. Yes, sir. मैंने WHO के साथ कुछ कोर्सेस किए और WHO सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देने देनी होती है लोगों को, लेनी नहीं होती, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, दोनों मेम्ब्रेन्स को जी सर, दोनों को बाइंड करता है, बाइंड करता है, ये बाइंडिंग है, ठीक है. अब दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपने सुना होगा, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल वो है जिस जिन कोलेस्ट्रॉल को बॉडी की नीड है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, और बाकी कोलेस्ट्रॉल वो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि सेल का हिस्सा नहीं होते है, ठीक है. सर गुड कहाँ होते हैं? गुड 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 यही जो है, ये कोलेस्ट्रॉल जो मैं मेंशन है यहाँ पे, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है,
और बेड क्रिस्टल, बेड क्रिस्टल जो है वो बॉडी में कोई फंक्शन नहीं करता, वो बॉडी में होते ही नहीं है। जी जी ओके जी ओके। ये मुझको किसी ने मैसेज किया है, हेलो सर रात। अच्छा ठीक है, आप कोई है लेकिन पता नहीं कौन है। बेड के स्टोर जो है वो बॉडी को बर्बाद करता है, ठीक है, वो हार्ट हार्ट को स्टॉप करता है। बेड के स्टोर क्या करता है? बेड के स्टोर हार्ट को स्टॉप करता है। मेरे पास जो दूसरा क्लास है उसमें मेरे पास 208 बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो उसमें मुझसे सीनियर भी है, ठीक है, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ और उनको पढ़ाना मेरे लिए एक फखर की बात है। ठीक, अब गुड कोलेस्ट्रॉल फंक्शन, गुड कोलेस्ट्रॉल फंक्शन चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉन्डेड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे आता है हाइड्रोपोबिक टेल। व्हाट इज हाइड्रोपोबिक टेल, किसी को बताएं? सर सेल लविंग, क्या वाटर लविंग, वाटर लविंग, या ये एक वाटर लविंग टेल है, लेकिन ये क्या है वाटर लविंग टेल, ये इसका ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये लिपिड्स को क्यों बॉन्डेड है सर? क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। बिल्कुल, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या करता है? ये वाटर अब्सॉर्ब करता है सेल मेम्ब्रेन के लिए, ताकि सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कर सके। जी जी ठीक है। अब यहाँ पे है फॉस्फोलिपिडिक लिपिड बैरियर। व्हाट इज फॉस्फोलिपिडिक लिपिड बैरियर, क्या चीज? फॉस्फोलिपिडिक फॉस्फोलिपिड बैरियर या फॉस्फोलिपिडिक लिपिड बैरियर, फॉस्फोलिपिड, जी 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 जी, फॉस्फोलिपिड बैरियर, जी जी, समझ लग गई। इसको फॉस्फोलिपिडिक लिपिड बैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरा नाम? फॉस्फोलिपिडिक लिपिड बैरियर। और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बैरियर, यहाँ पे क्या है इसमें, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? सर के दो क्या नाम है, लिपिड है, दो मुख्तलिफ लेयर्स हैं आपस में, क्या नाम है, टेल टू टेल जॉइंट है। हाँ, टेल टू टेल जॉइंट है। और ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। जी सर, एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जी जी, अब समझ आ गई सब लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में? जी सर आ गई। कुछ लोग अभी आए हैं, क्या करूं एक बार में पैसे रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, ओके, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से मैं मार्क नहीं लगाऊंगा कहीं पे भी, मैं सिर्फ वो करूंगा, ब्रीफ दे देना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मैं सिर्फ आपको, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या मेन पॉइंट? हाँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। देखे, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, अगर किसी ने नोट करना है ताकि मैं आराम से बोलूं, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे बंदा नोट कर रहा है, फिर मैं पिक्चर सेंड करूंगा, नोट नोट कर रहा है कोई कि नहीं आप में से? पिक्चर भेज दे सर। ठीक है, मैं पिक्चर सर कर रहा। अच्छा, कर रहे हैं आप, ठीक है। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन आर प्लॉटेड, ठीक है। तो अब सेल मेम्ब्रेन में टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं? टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और एक पेरिप्लर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। पेरिप्लर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमीएबल बनाता है। क्या बनाता है?
सेलेक्टिवली परमीएबल, सेलेक्टिवली परमीएबल बनाता है। और दूसरा इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये मैसेज रिसीव करता है किससे, सीलिया से। बाय जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सीलिया है, ठीक है, क्या है ये सीलिया है जो कि सिल के बाहर होता है, जो कि सिल के ऊपर बालों की तरह दिखता है, ह्यूमन सिल के ऊपर। सर ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है सेल की, मूवमेंट मूवमेंट सीलिया, सीलिया सीलिया मूवमेंट नहीं करती, सीलिया डिफेंस करती है। अच्छा। फॉरेन बॉडी आए या कोई सिल के लिए फायदेमंद चीज आए तो ये वो डिटेक्ट करती है और फिर पेरिपलर मेम्ब्रेन प्रोटीन को मैसेज भेजती है जो कि एक रिसेप्टिव प्रोटीन भी है, और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की जरिया वो सब कुछ सेल न्यूक्लियस तक पहुंचाती है, ठीक है सर। तो फिर थोड़ी बहुत जो मूवमेंट सेल करता है वो कैसे करता है, सेल इसी सिलिया की जरिए, मूवमेंट भी इसी के जरिए करता है, लेकिन वो इसका इसका सेकेंडरी फंक्शन है। ओके ओके ठीक है ठीक है समझ लो। इसके बाद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आता है जो कि सिल के आर पार नहीं गया हुआ, मेम्ब्रेन के आर पार नहीं गया हुआ बल्कि मेम्ब्रेन के अंदर स्टक हुआ है। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि वो न्यूक्लियस से मैसेज रिसीव करे, ठीक है, वो मैसेज रिसीव करे जो रिपोर्ट गई है सिलिया और सिल मेम्ब्रेन की तरफ से, वो मैसेज वापस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसीव करता है और फिर उसको सारे मेम्ब्रेन में पहुंचा देता है, सारे मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू हाइड्रोफोबिक टेल। जी सर ठीक है। और हाइड्रोफोबिक, और इसके अलावा सिलिया जो है, सिलिया दो चीजों से बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन विच इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो भी फ्लू बाहर के साइड पे होती है, ठीक है, और उसका फंक्शन भी यही है, रिसेप्टिव प्रोटीन है वो, ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा ये। इसके अलावा जो सिलिया का जो टेल है, सिलिया का जो हेड है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, उसका जो टेल है वो कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन है, कार्बोहाइड्रेट शुगर जो है, ठीक है, वो एक चेन की तरह लगे हुए है और उसने एक चेन बनाया हुआ है और एक टेल सी बनाई हुई है, इसको टेल कहते हैं, ठीक है सर। वो पॉलर और नॉन पॉलर का बता दें, क्या बता दूं, ये जो हेड पॉलर है ये पता नहीं, जो टेल नॉन पॉलर है वो वाला। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको गूगल में स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है जी सर प्लीज। देखिए सिलिया का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे हेल्प टू प्रोपेल सब्सटेंस एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेंसरी पर्पस, सेंसरी पर्पस यस सर। देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम एक सर। ये देखिए, मैं आपको कहा था कि बालों की तरह होता है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जी सर। सर नहीं नहीं, मैं ना लिपिड बाय लेयर में जो लिपिड की बाय लेयर का उसका हेड और टेल नहीं होता उसका पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लिपिड बाय लेयर का पूछा है, मैं सोचा आप जी जी ठीक है ठीक है सॉरी जी जी, वो पॉलर और नॉन पॉलर जो है वो बता दें जरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए ये सामने आपका लिखा हुआ है, मैंने ये इसलिए गूगल से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने कहा था कि आप, एक बंदे ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सब लेक्चर रिकॉर्ड करके हमको फिर सेंड करें ताकि हम बाद में भी देख सके, ठीक है, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ताकि जो मैं बोलूँ तो आपको सामने दिखाई दे, ठीक है
देखे जी सर, जो लिपिड स्ट्रक्चर होता है ठीक है, उसमें दो चीजें होती है, क्या क्या होता है लिपिड में, एक फैटी एसिड होता है और एक फॉस्फोलिपिड होता है ठीक है। इस दो दो चीजों से लिपिड बनता है ठीक है। तो जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड वो एसिड है तो वो पोलर हेड बनाती है, एसिडिक है वो, हाँ एसिडिक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड जो है वो हेड बनाती है, इसलिए हेड पोलर है ठीक है, नो हाँ इसलिए हेड पोलर है ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड्स है ठीक है, वो जो फॉस्फोलिपिड्स है वो टेल बनाती है और वो नॉन पोलर है। वो क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो उसके अंदर फैटी एसिड के अंदर आयोनिक्स बॉन्ड है, जबकि फॉस्फोलिपिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स से जो केमिकल बनते हैं वो क्या होते हैं, क्या नाम है, स्टेबल, मतलब कम होते हैं स्टेबल, वो नॉन पोलर होते हैं। और जो जिनमें जो जिनमें एसिड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है वो पोलर होते हैं ठीक है। और ये जो पोलर है, पोलर होते हैं जी सर, ये हाइड्रोफिलिक है और ये सॉल्व हो जाता है वाटर में, क्योंकि हेड सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है ठीक है। मैं आपके साथ एक बार फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आवाज आ रही है जी सर, अभी ठीक आ रही है, वो बीच में ना बिल्कुल बीच, नहीं वो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है मेरा इसलिए। तो जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और वो सॉल्व हो जाता है, इससे वो नीचे होता है। और जो पोलर जो नॉन पोलर टेल है वो नीचे गए हुए होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ओके ओके सर, सारा क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया। क्लियर हो गया ठीक है। तो ये इसके अंदर फिर क्लिस्ट्रोल है, क्लिस्ट्रोल का फंक्शन क्या है, वो जो दोनों को जॉइंट रखता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो टू लेयर्स है, तो वो उन दोनों को जॉइंट करता है जी सर। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के टू टाइप्स है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स। गुड कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो जो बॉडी की नीड, जिसको बॉडी की नीड है, और वो क्या वो कहाँ पे होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को में होते हैं। जबकि बैड कार्बोहाइड्रेट वो है जो कहीं भी यूज नहीं होते, यहाँ तक कि वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकते हैं ठीक है। वो अपने फुल स्ट्रक्चर में जब हार्ट तक पहुंचता है तो वो हार्ट में क्लॉट बना देता है जी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, वो बैड, क्योंकि उसने उसके बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है okay. इसलिए वो चीजें इस्तेमाल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है ठीक है okay. मसाले वगैरह ज्यादा ना इस्तेमाल करें चीजें, और घी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ऑयल ऑयल इस्तेमाल करें, घी ना इस्तेमाल करें okay. समझ आ गई आपको सेल मेम्ब्रेन का जी सर। अब बाकी सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, पहले मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, वो मैं आपको सेंड करूंगा तो आप देख लेंगे ठीक है। हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 1 घंटा और 30 मिनट का होगा ठीक है। तो अभी तकरीबन 15-16 मिनट बचे हुए हमारे पास ठीक है सर। ठीक है, अब सेल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस तो ब्रेन है, हम दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं लास्ट में पढ़ेंगे जी। क्या है ये, पावर स्टेशन, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी, एनर्जी, यस सर ठीक है। अब देखो माइटोकांड्रिया क्या है, ये स्ट्रक्चर है माइटोकांड्रिया का, माइटोकांड्रिया जो है वो डबल लेयर है ठीक है, एक उसका आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, इन लेयरों का कंपोजिशन भी सेम एज सेल मेम्ब्रेन है ओके ठीक है। फिर इनर लेयर के अंदर क्रिस्टा बनी हुई है, क्रिस्टा जानते हैं आप लोग, नहीं सर, क्रिस्टा मैं देखा हुआ लेकिन सही पता नहीं, क्रिस्टा जो है क्रिस्टा एक वर्ड है सिर्फ ठीक है। क्रिस्टा जो चीज इस तरह से बनी होती है, देखो मतलब फ्लोटिंग हुई होती है जिसमें ओके उसको क्या कहते हैं लैटिन जुबान क्रिस्टा, ये लैटिन वर्ड है ठीक है।
ओके ओके ठीक है. अब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स, किसी को बताए? नो ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ. ठीक है, इसके अंदर आपने राइबोसोम्स भी है. क्या है आपने? राइबोसोम्स. हाँ, इसके अंदर यार ये क्या, इसके अंदर ये कौन से राइबोसोम है, फ्री या दूसरे? क्या फ्री राइबोसोम्स? फ्री राइबोसोम्स है ये. इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है ना, तो फ्री होंगे. ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर फ्री है. इसके अलावा यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी होते हैं जो एटीपीज बनाते हैं. ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट पार्टिकल्स होते हैं. ओके चलो ठीक है, इसका बाद में पढ़ लेंगे. मैं अभी बता रहा हूँ बाकी चीजें. और इसके अंदर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड्स भी होते हैं. कौन से? मींस डीएनए. डीएनए और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. और आरएनए का क्या मतलब है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ. कोई इंटरेस्टेड है स्टोरी सुनने में? यस सर. डिपेंड्स अपॉन स्टोरी. स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है. एक दफा एक प्रोकैरियोटिक सेल था. ठीक है, ओके. तो वो कहीं जा रहा था, मतलब ठीक है जा रहा था. तो उसको उससे एक छोटा सेल मिला, वो भी प्रोकैरियोटिक था. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल थे ही नहीं, सारे प्रोकैरियोटिक थे. तो उसने क्या किया पता है? उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसने वो छोटा जो था उसको खा लिया. जी जी. लेकिन उसको डाइजेस्ट न कर पाया. ठीक है, तो और उसको डाइजेस्ट न कर पाया तो फिर उसने एक बहुत ज्यादा छोटे चीज को खाया जो कि राइबोसोम था. ओके ठीक है, तो राइबोसोम के अंदर अपना आरएनए होता है. ठीक है जी. और डीएनए होता है किसमें? माइटोकांड्रिया में. तो कहते हैं कि वो जो सेल एक सेल ने दूसरे को खाया था, जिसको खाया था वो क्या था? माइटोकांड्रिया. ओके, इसलिए माइटोकांड्रिया जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटेड है, उसके अंदर अपना डीएनए मौजूद है. लेकिन ये एक स्टोरी है. ठीक है, इसका किसी को भी नहीं पता सही से कि इसके अंदर ये सेल्फ रिप्लिकेटिव क्यों है. ये ऐसी स्टोरी है जैसे रेवोल्यूशन की स्टोरी है. ये तो कुछ भी नहीं खाना अब सारे नहीं है. कुछ भी लाएगा, सॉरी सर मेरा ना माइक ऑन था. ओके, कोई मसला नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स दे आर व्हाट? दे आर एंजाइम्स. ठीक है, ओके. जो 9th, 10th फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था वो भूल जाए. ठीक है, वो अलग बात थी, अब हम एडवांस पढ़ रहे हैं. जी सर. अब इसका और ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर. ये क्या कहते हैं ग्रेन्यूल्स? क्या कहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स, किसी को पता है? नहीं पता. ठीक है, ग्रेन्यूल्स जो है वो ग्रेन्यूल्स का काम है, ग्रेन्यूल्स जो काम करता है वो क्या है? वो है चेन रिएक्शन, एटीपी सिंथेसिस चेन रिएक्शन. उसको इनिशिएट करता है जो कि रिस्पायरेशन में होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में. ठीक है, इसको इसलिए पावर हाउस कहते हैं. और फिर वो जब चेन शुरू होता है तो वो चेन पूरे मैट्रिक्स में घूमता रहता है और वहां पे और स्पीड इतनी होती है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर हो जाते हैं. ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स और वो एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है. वो काइनेटिक एनर्जी अपनी यूज करता है जो कि एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल जो है वो उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है. ठीक है, और उसको पोटेंशियल एनर्जी बना के एटीपीज बनाता है. सर एक दफा रिपीट कीजिएगा, ये समझ आए आप लोगों?
सर एक दफा रिपीट सर प्लीज. देखें जो रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन है ठीक है, उसमें ये होता है कि जब पार्टिकल्स आते हैं माइटोकांड्रिया में तो ग्रेन्यूल्स उनको स्पीड देता है, इनिशिएट करता है चेन रिएक्शन ठीक है. और चेन रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, देखें वो पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं ठीक है यहाँ पे, तो वो ये इसको डिस्टर्ब करता है और उसको स्पीड देता है, तो वो इस तरह से जाते हैं ठीक है. जब जाते हैं तो मेटल्स में उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ये इनको हाई स्पीड से थ्रो करता है. तो यहाँ पे जो ये एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल पड़े होते हैं यहाँ पे, ये पड़े होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, वो इसकी जो एनर्जी लॉस करता है ठीक है. जब बंदा दौड़ता है घूमता है फिरता है वो एनर्जी लॉस करता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो कि दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट होती है. तो वो यहाँ पे ये लोग एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल गेन करती है और वो क्या क्या होता है वहां पे ATPs बनती है, फिर ये इस तरह से जाता रहता है इस क्रिस्ट में. तो क्रिस्ट में जितना जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, इसलिए ये क्रिस्ट बने हुए है ठीक है, क्रिस्ट का फंक्शन ये है. तो जब यहाँ पे आएंगे ज्यादा देर लगे, ज्यादा देर लगे से जाने में और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो. जब यहाँ पे आते हैं तो ये इसको फिर से थ्रो करता है, तो देखो पूरा एक चेन बन रहा है देखो. ओके ओके सर, ये बहुत अच्छा कांसेप्ट रहता है. तो फिर यहाँ से इसको फिर से थ्रो किया जाता है ठीक है, तो ये फिर ऊपर नीचे ऐसे जाता है और फिर यहाँ पे आता है. यहाँ पे आके फिर इस पॉइंट पे जब पहुंचता है ना, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ वहां पे पहुंचते हैं ठीक है. तो ये लोग फिर क्या करते हैं, उन पार्टिकल वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अब क्या है सारी एनर्जी गेन हो चुकी है उनसे, जितनी गेन हो सकती थी वो क्या क्या बन गया, वो जो पार्टिकल्स आए हुए थे अंदर जो भी चीज आई थी वो बन जाती है वेस्ट. ओके तो ये पे वो वेस्ट सेंड करता है कहाँ पे, लाइसोसोम गल्जी अपरेटस, रिवॉल्जी अपरेटस, गल्जी अपरेटस उनको पैक करता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की जया बॉडी से बाहर ले जाता है. ओके ओके, कोई क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया के बारे में तो पूछ सकते हैं आप लोग. वो चाइना का उसने बताया नहीं था क्या कोई कुछ बोल रहा है कोई क्वेश्चन है किसी का भी? नहीं सर, मेरा तो नहीं. ठीक है चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं, माइटोकांड्रिया खत्म करते हैं ठीक है. आज का क्लास लंबा हो गया क्योंकि मैंने आइंदा से सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट की क्लास होगी ठीक है. जी सर जरूर, टाइम टेबल होगा ना तो ठीक होगा. टाइम टेबल होगा तो सही होगा ठीक है. व्हाट इज दिस जो आप देख रहे हैं? ये सर जर्म्स बैक्टीरिया, दिस इज माइटोकांड्रिया, द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया. ओके एंड व्हाट इज दिस ही जो दिख रहा है? ये सेल है, इसलिए ही माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ सेल्स है ठीक है. जी सर, इसलिए हमने सब पढ़ लिया सिल ना. अब हमारे पास क्या क्या बचता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच रही है ठीक है, वो है न्यूक्लियस. लेकिन उससे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या है कोई बता सकता है? जी सर बताए. कोई तो बताए सर, इसमें राइबोसोम होती हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं. इट इज द पार्ट राइबोसोम. ठीक है, मैं बता रहा हूँ ठीक है. आप डिफिनीशन बता रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की ठीक है. राइबोसोम्स आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ. लेकिन व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज द पाथवे ऑफ द सेल ठीक है. इट स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसफर द मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन टू सेल.
सर ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन क्या कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन हाँ कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फिनिश ऑन सेल मेम्ब्रेन अब आगे सुने अब इसका फंक्शन क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यस सर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल हार्मफुल मटेरियल यस कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इसके अलावा बस ठीक है ये सारे फंक्शन इसके ये इसका एक और फंक्शन ये है कि इट इज द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन यस सर कोलैप्स होने से कार्बोहाइड्रेट को भी शायद कुछ डाइजेशन में भी है इसका थोड़ा सा ये एक काम डाइजेशन ये करता नहीं है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है और फिर उनको ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उनको स्मॉल जो पॉली सिकलाइड्स होते हैं उनको मोनो सिकलाइड्स में डिवाइड करके बेचता है कहाँ पे स्मॉल लोब्यूल्स बना देता है हाँ उसको कहाँ पे बेचता है फिर बेचता कहाँ पे सर उस गोल्जी अपरेटस माइटोकांड्रिया जहाँ पे फिर चेन रिएक्शन होता है ओके अच्छा एनर्जी के लिए एटीपी के लिए फिर एनर्जी के लिए जो भी चीज ये करता है ना सब कुछ एनर्जी हासिल करने के लिए करता है और इसके ऊपर फिर ये दो पार्ट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे आता है सेल के कौन से पार्ट पे आता है जेल जेल साइटोजेल में आता है ये और ये क्या है फंक्शन है इसके सारे फंक्शन यही है और राइबोसोम्स भी ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे हुए है और ये रफ दिखाई देता है इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है दूसरा पार्ट इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि कहाँ पे मौजूद है साइटोसोल में मौजूद है इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है तो इसलिए कोई भी प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करती है नहीं बनाता जी सर इसके और बहुत से फंक्शन है इसके बाकी सारे फंक्शन है लेकिन सिर्फ वही एक चीज नहीं बनाती ठीक हो गया तो यही था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियस हमारा लास्ट टॉपिक है ठीक है हम न्यूक्लियस आप पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल मेन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम वेयर सेल डिवीजन अकर सर इट इज अ ब्रेन दैट कंटेन्स डीएनए बिल्कुल सही बात है आप लोग की इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल ये सेल का ब्रेन है एंड इट एंड ऑल मेटाबॉलिकल प्रोसेस अकर इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर क्या नाम है हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर ऑफ जीन स्टोर क्रोमोसोम्स इट स्टोर्स द डीएनए क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स नो इट्स प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए एंड सर आरएनए तो न्यूक्लियोलस नहीं बनाता तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का पार्ट है ना अच्छा ओके और वो क्या और दूसरा क्या बताया न्यूक्लियर आरएनए जो उसका फंक्शन फिर हम बाद में पढ़ेंगे जब हम डीएनए पढ़ेंगे ठीक है वो हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में बाद में ठीक है सर ठीक है अब इसके पार्ट्स है ना ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ओके एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम लाइक सेल मेम्ब्रेन ठीक है लेकिन इसमें एक चीज है इसमें न्यूक्लियर पोल्स है वो क्या होता है न्यूक्लियर पोल्स जो है न्यूक्लियर पोल अच्छा ठीक हाँ जिससे न्यूक्लियर सारे इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स अंदर और बाहर भेजता है एंड दे आर प्रोटीन्स
सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में यही फर्क है कि सेल मेम्ब्रेन पे सिलिया होती है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है जो न्यूक्लियर पोल बनाते हैं, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलर। ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, और इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इसके दूसरे मेम्ब्रेन को जो अंदर है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप। फिर हम अब न्यूक्लियर के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो चीजें है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन। व्हाट इज क्रोमेटिन? ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिड्स? क्रोमेटिड्स से बना होता है। क्रोमेटिड्स से। और क्रोमेटिड्स किस चीज से बना होता है? डीएनए से, न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए से, मींस न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है जी जी। और फिर क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत सारे डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जब वो कंडेंस होते हैं तो उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अब एक जगह न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क नजर आती है, बाकी न्यूक्लियस से मुख्तलिफ है, वो कोई भी बॉन्ड वगैरह उसकी नहीं है, ठीक है। वो डेंस फॉर्म है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्यों डेंस है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्रोमेटिन है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा बॉन्डेड है। That's why they show the dark color. Dark color, dense color. Dense color, sorry, not dark, dense color. Yes, sir. ठीक है? और इसका function क्या है? Sir, it is composed of... Sir, ribosomes बनाता है. Ribosome production factory. दूसरा function? Factory. दूसरा function? Sir, इसे chromosome बनाता है. क्या? RNA. आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, और दूसरा न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। और ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए कौन बनाता है? ट्रांसफर आरएनए बनाता है गल्जी बॉडीज। ये जो आरएनए गल्जी बॉडीज में जाता है वहां पे ट्रांसफर आरएनए पे चेंज हो जाता है, और फिर ये जाता है, नहीं सॉरी, ये राइबोसोम जो ये अपना फंक्शन करती है, ये मैसेज लेके जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर आरएनए मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए जाता है कहाँ पे? राइबोसोम्स में। और फिर क्या करता है राइबोसोम्स? राइबोसोम्स में राइबो आरएनए होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। वो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? वो ये जो मैसेज लाया है उससे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और इस आरएनए को जो मैसेंजर आरएनए गया है इसको ट्रांसफर करता है, इसको चेंज करता है ट्रांसफर आरएनए में, और वो ट्रांसफर आरएनए फिर जो प्रोटीन बने होते हैं उनको लेके जाता है गल्जी बॉडीज में, जहां पे वो पैक हो जाती है, उनकी पैकिंग होती है, और फिर उन पैकिंग में जितना जरूरत है सेल को उतना वो पैक से उतने पैक उस पॉइंट पे बेचता है प्रोटीन, उतने प्रोटीन जहां पे जितने जरूरत होती है, ठीक है। समझ आई? समझ आई मेरी बात? यस सर। कि रिपीट करूं? नहीं सर, समझ आ गई। ठीक है, समझ आ गई। तो यही था न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो बात क्रिस्ट नजर आ रही है, जहां पे क्रिस्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये सर वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो यहाँ पे, इस जगह पे देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा ये जो पार्ट है, ये कहाँ पे? फिर यहाँ पे रफ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि इसी तरह से जैसे यहाँ पे बॉन्ड है, ये इसी तरह से वो कहाँ बॉन्ड होता है? न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन के साथ। एंड दिस इज द टॉपिक इज कंप्लीट मेरे ख्याल से। अब आप जिसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन है किसी का भी पूछ ले प्लीज।
एम जी आपका कोई क्वेश्चन है? हामिद अली, अजमत अली, नबी आप बताए, रवीद भाई? हामिद अली का कोई नहीं है सर, हामिद अली का कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या आप लोग सेटिस्फाइड है? यस सर। क्या आप लोग लेक्चर से सेटिस्फाइड है? आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, आ रहा है सर। ठीक, तो गुड हो गया फिर, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, अब आप बताएं कल हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी? सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए फर्स्ट ईयर के, ताकि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए। सारे सब्जेक्ट एक दिन में तो नहीं पढ़ाए जा सकते है ना? नहीं नहीं, मतलब कल कोई और रखे ना, कल ये ना रखे, कल ये एक दिन एनाटॉमी, एक दिन फिजियो। आज हमने हिस्ट्रो पढ़ी है ना, तो कल हम एनाटॉमी पढ़े या फिजियो पढ़े? एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, और सीवीएस सिस्टम का, सीवीएस का हार्ट का एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन जब दूसरा लेक्चर होगा तो उसके साथ मैं पहला लेक्चर रिवाइज करूंगा और आपको पिक्चर्स भी सेंड कर रहा हूं, ठीक है, उस लेक्चर की। ठीक है, कि जिन लोगों से मिस हो गया ना, कुछ लोगों से मिस हो गया, कुछ से नहीं, ठीक है, और इसके भी पिक्चर्स सेंड कर दूंगा, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, और ये लेक्चर सारा रिकॉर्ड भी हो गया है, ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वहां पे गूगल ड्राइव में, और आपको लिंक सेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा व्हाट्सएप पे नहीं है। यूट्यूब पे शुरू कर दे सर, आपका साथ चैनल बना रहे ना यूट्यूब पे, उस पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये भी सही है, गूगल ड्राइव से इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा ना पूरा, तो आप यूट्यूब पे हम ऑनलाइन देख लेंगे। ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी सर। ठीक हो, चैनल पर डालना किसी भी नाम से, और हमें वो लिंक पर सेंड कर दीजिएगा बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए बात नहीं मेरी, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन जी सर, लेकिन मैं लेकिन कब्रिस्तान का मुझे पता है कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, 3 साल हो गए मेरे यहाँ पे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो कुछ सीखे, ठीक है जी सर। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं, कोई भी लेक्चर ज्वाइन करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, कुछ भी हो, मेरा नंबर शेयर करें किसी को, कुछ भी हो, ठीक है जी सर। और नाम आपको मेरा पता है, ठीक है, और सब कुछ आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आयुके में ही पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 90% लोग आयुके के ही होंगे, 2-3 लोग किगमे के हैं, ठीक है, तो इसके अलावा लेकिन लेकिन मैंने खुद WHO के साथ कोर्स किया है, ठीक है, एनाटॉमी फिजियो हिस्टोलॉजी का, और सर्टिफाइड हुआ से, और मैं एनएलई कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूँ अभी, जिसमें बहुत सारे सीनियर भी आ रहे हैं मेरे, लेकिन वहां पे मेरे पास दो एक बंदा और भी है, वो भी पढ़ाता है और मैं भी पढ़ाता हूँ सर। इसके को सर क्या सर, बस फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, 2 महीने